पांडे को बीजेपी नहीं ज्वाइन कराई और उसकी पत्नी को कराई है। मुझे कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर संदीप पांडे की लेटेस्ट फोटोज भी है, जिसमें संदीप पांडे बीजेपी के हर मंच को साझा कर रहा है। मुझे धमकियां मिल रही है कि अब मैं बीजेपी में आ गया हूं तो तू क्या बिगाड़ लेगी, जिससे मुझे काफी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। इन सब से मैं काफी परेशान थी और मैंने समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रही श्रीमती अनु टंडन जी से बात की और उन्हें अपनी पीड़ा बताई। उनके द्वारा मुझे ये कहा गया कि हमारी सरकार नहीं है, जब हमारी सरकार बनेगी तब आपको हम न्याय दिला पाएंगे। अगर इन दिनों में मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है तो संदीप पांडे के साथ सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार होगी। मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जान की रक्षा की जाए। साथ ही मैं हाथ जोड़कर ये पूछना चाहती हूँ कि उन्नाव जिले के नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि को बीजेपी ने कैसे अपने साथ जोड़ लिया। वो एक बलात्कारी है, उसने मेरे साथ गलत किया है। क्या अब एक बलात्कारी भाजपा के लिए वोट मांगेगा, उनके नेताओं के साथ मंच साझा करेगा? मेरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, क्या उसके बाद भी बीजेपी ऐसे दागी पुरुष को समाज में अपने नाम का इस्तेमाल करके और भी बहन बेटियों की जिंदगी खराब करने का मौका देगी, जैसे इसने मेरी कर दी? मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और यूपी राज्य के मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ऐसे शख्स के ऊपर लगाम लगाएं, उसको बीजेपी का नाम का इस्तेमाल करके समाज में खुले सांड की तरह ना घूमने दिया जाए, ताकि किसी और बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना कर सके।